वो। उसमें स्टमक में इंजरी भी अंदर हो जाती है इन इन सब कारणों की उसकी एक और बात तो उसमें क्या है कि जो फॉर्चुनेटली जम्मू में कम और वैली में ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाँ वो इसकी वजह क्या है वो उसके ऊपर काफ़ी वहाँ से स्टडीज भी आई हैं उसमें ये है कि एक तो वहाँ का टेरेन जो है वो ठंडा इलाका है लोगों की प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन जो थी वो ज़्यादा है अभी है जैसे आप ये बेकरी खाते हो वहाँ की आप नमकीन चाय खाते हो पीते हो या आप मीट को वो लोग स्टोर करके उसको इस्तेमाल करते हैं साल्ट इनटेक उसके साथ बहुत ज़्यादा है और साल्ट का जो है उसका एडिटिव इफेक्ट होता है इन चीज़ों के लिए अच्छा। आपका हाजमा ख़राब है या आपका पेट आपको परेशान कर रहा है या गैस बहुत ज़्यादा बन रही है आम फहम जुबान में यही सब कुछ कहा जाता है तो आप दवाई की दुकान पर अक्सर चले जाते हैं और केमिस्ट से ये पूछते हैं कि जनाब मुझे ये तकलीफ़ है तो कोई टेबलेट दे दीजिए वो केमिस्ट भी आपको एक टेबलेट पकड़ा देता है आप घर जाकर वो टिक्की खाना शुरू करते हैं क्या ये सही अमल है क्या ये सही तरीका है क्या हमें गैस को या एसिडिटी को या उससे जुड़ी हुई और जो दिक्कतें परेशानियां हैं या स्टमक से जुड़ी हुई और दिक्कतें और परेशानियां हैं इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई दिक्कतें और परेशानियां हैं क्या इनको इतना हल्के में लेना चाहिए और आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं जब आपको लगता है कि अब दर्द आपसे संभल नहीं रहा क्या यह अकलमंदी है इन तमाम चीज़ों पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं जम्मू में गेस्ट्रो की के एक डिपार्टमेंट को इस्टेबलिश करने वाले और एंट्रोलॉजी को मनवाने वाले की ये एक अलग ब्रांच है ये मेडिसिन का हिस्सा तो जरूर है लेकिन मेडिसिन से ये अलग है मेडिसिन वालों का अलग काम है गेस्ट्रो एंट्रोल एंट्रोलॉजी एक सुपर स्पेशलाइजेशन है और उस सुपर स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांच को अलग से देखा जाना चाहिए डॉक्टर शौकत चौधरी मेरे साथ शौकत साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है शुक्रिया सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने तो ये गलती की कि आपने गेस्ट्रो का डिपार्टमेंट जो है उसको एस्टैब्लिश किया अब ये जानना चाहता हूँ कि आज अफसोस हो रहा है कि आपने ये कदम क्यों उठाया था आप भी चलने देते सिलसिले को जैसे चल रहा था नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी है और जब आप एम करते हो उसके बाद आप स्पेशलिटी चूज करते हो तो वो स्पेशलिटी ह्यूमैनिटी की सर्विसज़ के लिए होती वो किसी पर्सनल गेन के लिए नहीं होती और जहाँ जहाँ हमें मौका मिला उसके बाद मैं अमेरिका में था सो so, वहाँ मैंने गैस्ट्रोट्रोल में काम किया यहाँ आके हमें जो मौका मिला उसमें हमने अपना फुल देने की कोशिश की अब उनसे कितनों को लाभ हुआ कितनों को लाभ नहीं हुआ लेकिन स्पेसिफिकली जो आपने सवाल मुझे पूछा मुझे बिल्कुल कोई अफसोस नहीं है आपसे ये समझना चाहूँगा डॉक्टर साहब की एक वर्किंग एन्वायरमेंट आपने यू का भी देखा और एक वर्किंग एन्वायरमेंट आपने जम्मू कश्मीर में भी देखा बड़ा फ़र्क़ आपको दोनों जगह दो, दोनों जगहों में क्या नज़र आ रहा हालांकि ये सवाल अपने आप में एक अजीब सा सवाल है कि अमेरिका का मुकाबला जम्मू के साथ आप कर रहे हैं लेकिन आपको बड़ा फ़र्क क्या महसूस देखो कल्चर का डिफरेंस है कल्चर का डिफरेंस ये है कि वहाँ पर एक आदमी जो जाता है वो उस स्पेशलिटी से पहचाना जाता है आदमी की इंडिविजुअली कोई पहचान नहीं होती वहाँ आप एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं एक स्पेशलिटी में काम करते हैं और आपकी आइडेंटिफिकेशन डॉक्टर शौकत नहीं है आपकी आइडेंटिफिकेसन ये है कि डॉक्टर शौकत गैसट्रो को कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर पा रहा है तो ये उसकी पहचान है सो so, मेरे ख्याल से ये इनडायरेक्टली आपके सवाल का ये जवाब है कि वहाँ इम्पोर्टेंस चीज़ की है कि हमने क्या किया यहाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट कोई होती नहीं हमने एक साल में क्या किया या मैं यहाँ दस साल से काम कर रहा हूँ मैंने क्या किया या और हमारी दूसरी स्पेशलिटी पर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं ये ना ऊपर से कोई पूछता है so, सो फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर अगर ये चीज़ हो जाए तो मेरे ख़्याल से हम और बेहतर कर सकते हैं और हम बेहतर तरीके से कम्युनिटी को या सोसाइटी को या ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली टॉप से बॉटम सिस्टम ये है कि कंट्रीब्यूटर्स को कोई खास क्रेडिट मिलता नहीं है उसको ज़्यादातर लोग उसके ख़िलाफ़ ही होते हैं so, सो वो कोई आई एम नॉट दी ओनली वन इससे पहले भी हुआ इसके बाद भी होगा डॉक्टर अशोक वैद एक हमारे एक ऑन्कोलॉजिस्ट एक लाइव एग्जांपल है सो ही आल्सो फर्स्ट ज्वाइन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्टीमेटली उनको यहाँ से छोड़ना पड़ा mm. और उसके बाद आप जानते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट फॉर हिम mm. एक चीज़ और डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि गेस्ट्रोट्रोलि को अगर एक आम शख्स को आपको ये समझाना है कि भाई ये तकलीफ अगर आपको है तो आपको दाएं बाएं नहीं दौड़ना है और केमिस्ट की दुकान पे लोग खुद चले जाते हैं जी मुझे कुछ गैस हो रही है कोई एसिडिटी हो रही है इनो का पैकेट ले लिया और उससे काम चला लिया वो दुक, दुकानदार ने केमिस्ट ने कोई दवाई दे दी आपने उससे काम चला लिया क्या यह अकलमंदाना फ़ेल है और एज ए गेस्ट्रो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं बिल्कुल ये अब मैं कंफर्टेबल पोजीशन पे हूँ बिकॉज इसके पहले जो आप सवाल मुझे पूछ रहे थे तो वो शायद मैं उस मेरे कंट्रोल में वो चीज़ें हैं नहीं अब जो स्पेशलिटी मैंने पढ़ी है उसके मैं जवाब सो सो ये है कि देखो ये एक अनएक्सप्लोर्ड uh, ब्रांच है उसमें गैस का मतलब है कि पीपल डजेंट नो गैस कहाँ से कहाँ अब हम सब्सिक्वेंटली उसको डिस्कस करेंगे कि गैस कहाँ बनती है किस आर्गन को बनती है किस आर्गन की गैस का कैसा मैनिफेस्टेशन होता है और का क्या होता है लोगों के लिए पेट फूलना सो पेट स्टार्ट होता है फूड पाइप से लेके एनस तक तो वो फूड पाइप में गैस है स्टामक में है स्मॉल इंटस्टीन में है लार्ज में है तो फॉर देम गैस इज वन ऑर्गन और केमिस्ट के लिए भी गैस का मतलब है कि कोई खाली पेट की दवाई तो ऐसा है नहीं तो स्पेसिफिकली आपने जो सवाल पूछा उसका ये है कि ये ओवर दी काउंटर जो है कभी कभी, कभी काम करती हैं लेकिन अगर ये परसिस्ट करती है प्रॉब्लम साइंस का दो ही रूल ऑफ थम है एक ये है कि इफ एनी थिंग विच राइट इज़ नॉट नॉर्मल अगर कोई मोमेंट्री चीज़ आती है जाती है तो ठीक है आपने ओवर दी काउंटर कोई टैबलेट ले ली खा ली आपको रिलीफ मिल गया यू आर फाइन हम भी आपसे खुश हैं कोई परेशानी नहीं लेकिन एक चीज़ परसिस्ट कर रही है से फॉर एग्जांपल ओवर सिक्स मंथ्स या उसके साथ हमारे कई सारे अल्म सिम्टम हम आगे डिस्कस करेंगे तो अभी तक मैं ये कहूँगा कि प्रसिस्टेंट प्रॉब्लम के लिए ओवर द काउंटर मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी चाहिए डॉक्टर साहब क्या ओवर द काउंटर का कॉन्सेप्ट सिर्फ भारतीय कॉन्प्ट है या ये कॉन्सेप्ट वेस्ट में भी है अमेरिका में भी है बिल्कुल है अमेरिका में तो और आसान है यहाँ पे तो कभी कभी केमिस्ट खुद दे देते हैं वहाँ तो पेशेंट और वो लोग इतने पढ़े लिखे हैं वो खुद जाके बताते हैं सो ओवर द काउंटर है उसकी क्लासिफिकेशन है कि ये चीज़ें हैं जैसे अब हम डिस्कस कर लेंगे तो फिर और समझ आएगा अब सवाल ये पैदा होता है कि गैस है एक आदमी कहता है जी मुझे गैस है ठीक है उस गैस के साथ कुछ अलार्म सिम्टम है एक नॉर्मल पेशेंट आता है हम उसको पूछते हैं ठीक है जी आपको गैस तो है क्या होता है जी पेट फूल जाता है ब्लोटिंग होती है ये होता है हम उसके साथ अलार्म सिम्टम पूछते हैं सो वो अलार्म सिम्टम क्या है कि आपका ड्यूरेशन ऑफ गैस कितनी है आपको लॉस ऑफ़ एपिटाइट तो नहीं है आपको लॉस ऑफ वेट तो नहीं है आपको खाना अंदर फंसता तो नहीं जाने में आपको लेटरिन के रास्ते ब्लड तो नहीं आता आपको वामटिंग के रस्ते ब्लड तो नहीं आता आपको पेट में कोई लंप या स्वेलिंग तो नहीं महसूस होती ठीक है ये अगर नहीं है तो हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि प्रोबेबली इतनी सीरियस प्रॉब्लम इसको नहीं है तो फिर उसकी प्रोबेबल प्रॉबलिटी बेस्ड हम उसकी इन्वेस्टिगेशन टेलर डाउन करते हैं डिपेंडिंग ऑन हिज सिम्टम्स सो अगर ये अलार्म अलार्म सिम्टम जो मैंने आपको गुनवाए हैं ये नहीं है तो फिर हम इसको कहते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया या फंक्शनल ब्लोटिंग ठीक है ठीक। इस शक पे हम कुछ बेसिक टेस्ट कर लेते हैं तो अगर टेस्ट भी नॉर्मल है तो फिर हमारा जो वो शक है वो दूर है दूर हो जाता है फिर ये क्लास क्वालिफाई होगी किसके ओवर द काउंटर के, के. उसको हम लेबल कर देते हैं ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है ये ये नहीं नहीं ये नहीं नहीं नहीं। है, है, नहीं। नहीं। right. so, हमने कर दिया hmm. फिर वो एक लेबल हो जाता है और वेस्ट में यही होता है वो पेशेंट फिर अपने आप ओवर द काउंटर भी जाता रहता है लेता रहता है hmm. और हम उसको अलार्म सिम्टम एक्सप्लेन कर देते हैं एक चीज काउंटर मेडिसन को लेकर भी समझना चाहूँगा कौन सा मेडिसिन मिसाल के तौर पे आप ऑलरेडी किडनी की तकलीफ़ के शिकार हैं आप दिल के मर्ज़ के शिकार हैं आपको लिवर का ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है और आपको गैस बन रही है या आपको लग रहा है कि आपका स्टमक अपसेट है तो क्या जो ऑलरेडी जिनको पता है कि हमें ऑलरेडी कोई तकलीफ़ है क्या उन पेशेंट्स के लिए भी ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना अक़लमंदी है या उन्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि आ, अलग अलग मेडिसिन हैं ब्रांड नेम अलग अलग हैं दुकानदार तो आपको कोई भी मेडिसिन पकड़ा देगा भाई ये लो ये खा लो आप ठीक है तो क्या उसको ये करना चाहिए या उसको अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ये मेडिसिन लेनी चाहिए या ये इतनी सेफ है कि कोई भी ले सकता है ना ये जिन जिन लोगों के आपने एक नॉन मेडिकल डिजीज़ है उनके लिए ओवर दी काउंटर मेडिकेशन बिल्कुल मना है वो नहीं ले सकते उनको पूछ के ही लेना बिकॉज जो सिमटम प्रोडक्शन है उसके मैकेज़म डिफरेंट हो सकते हैं राइट और हो सकता है हम एक टाइम वेस्ट कर दें उसमें या वो कई बार काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो जाए ओवर दी काउंटर उन लोगों के लिए जो हमने पहला सबसेट की बात की कि हमने डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन कर लिया उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप वाला क्लास है जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कई सारी क्लासिफिकेशन है अदरवाइज पर्सन मेल और ए फीमेल इज हेल एंड हार्टी फॉर देम ओवर द काउंटर कैन बी टेकन और वो भी जब डॉक्टर बता दे तो है ना तो जो जैसे हमने ओपनिंग में कहा कि अगर ड्यूरेशन छः महीने डॉक्टर किसी से कभी मिले नहीं और ओवर द काउंटर दैट इज़ नॉट डन बट स्पेसिफिकली कमिंग टू योर क्वेश्चन कि अगर किसी को मेडिकल डिजीजेज़ हैं मेडिकल इल्सज नोन हैं तो उनको ओवर द काउंटर तो पक्का नहीं लेना अरे डॉक्टर साहब एक और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें डॉक्टर जो है वो कहते हैं जी एसिडिटी के लिए दवाई है ये तो आपको मॉर्निंग में लेनी ही लेनी है और लाइफ लॉन्ग आपको लेते रहना है लेकिन अगर आपका लाइफ एक्टिव है आप बहुत दौड़ते भागते रहते हैं तो क्या इस मेडिसिन को कॉन्टिन्यू करना अक्लमंदी है या आपको लगता है कि अगर आपका लाइफ एक्टिव है तो आप इस एक मेडिसिन को छोड़ भी सकते हैं हाँ इसको मैं थोड़ा और अपने वे से रेक्टिफाई करना चाहूँगा कि ये देखो हम क्या कहते हैं जैसे हमने कहा कि कोई भी ब्लोटिंग हो गई फ्लैचुलेंस हो गई तो उसके लिए हम समझते हैं खाली पेट की दवाई खाली पेट की दवाई का इफेक्ट सिर्फ स्टामक में है तो अगर तो एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसको ये सुप्रेस करेगा नहीं। नहीं। अगर गैस प्रोडक्शन नीचे से हो रही है अब मैं आपको बताऊँ गैस प्रोडक्शन होती कैसे उसमें सबसे पहले है कि हमारी क्वालिटी जो है फूड टाइप्स एंड द वे वी टेक फूड अब वे द वी टेक फूड का मतलब क्या हुआ कि हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लोग खाने के साथ लेते हैं ठीक है वो गैस प्रोड्यूस करेंगे ब्लोट करेंगे दे आर टू बी अवॉइडेड सेकेंडली एरोफेजिया एरोफेजिया में एयर को अंदर स्वालो करना ठीक है तो हम क्या करते हैं खाना खाते खाते बात करते हैं फोन देख रहे हैं टीवी देख रहे हैं सो so, जो हम खाना खाते हैं उसके साथ हम अन इंटेंशनली एयर को सॉलो करते हैं वो एक एरोफेज या एक दूसरी प्रॉब्लम होगी तीसरी प्रॉब्लम होगी कि फूड आइटम्स कुछ ऐसी अच्छा उसमें क्या है कि जो हमारा स्टाइटी का सेंटर है जो रजने का जो हम कहते हैं है, हमें रज गया ये रजना ब्रेन से कंट्रोल होता है आपने ब्रेन को कहीं और डाइवर्ट करके रखा हुआ राइट वो टीवी देख रहा है वो खाने के साथ उसका लिंक है नहीं तो आपने ओवर ईटिंग कर ली तो गैस बन गई तीसरा कर, चौथा कारण पांचवा कारण ये हो गया कि आपका यहाँ यहाँ यह तक थे हम स्टामक पे अब हम मूव करते हैं इंटस्टाइन, इंटस्टाइन की तरह इंटेस्टाइन जो स्मॉल होती हैं वो डाइजेशन एब्जॉर्बशन करती हैं ठीक है नॉर्मली इट इज़ फ्री ऑफ बैक्टीरियाज कुछ सिचुएशन में बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं और वो गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर बोलते हैं वो ये आपके कंट्रोल में नहीं जो मैंने पहले गिनवाए वो सब कंट्रोल में ठीक ये आपके कंट्रोल में ये अब गैस अंदर क्या हो रहा है सीबो कैसे बन रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं बट मैं आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ अब क्या है कि कुछ चीज़ें आपकी अनडाइजेस्टेड रही स्मॉल इंटस्ट्री में दे आर नॉट एडिकुएटली डाइजेस्टेड और आपकी लार्ज गट जो है उसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं हाँ जी और मेजॉरिटी उनमें दोनों होते हैं गैस प्रोड्यूसर भी एंड गैस एब्जॉर्बर भी जो जो गैस प्रोड्यूसर है अब अन डाइजेस्टेड uh, या अनफर्मेंटेड फूड चला गया और वो लार्ज इंटस्टाइन में उनके लिए तो फूड बन गया उनकी ग्रोथ तो और होगी वो तो सारी बरादरी को बना लेंगे वहाँ पर दिल मेक इट मोर दिस थिंग और अन टॉप ऑफ दैट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है या इनकम्प्लीट इवेक्शन है तो आपकी फूड और इंटस्टाइन में प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रही एंड इट इज़ गुड फॉर देम कंटैक्ट टाइम ज्यादा बढ़ गया ना बैक्टीरियाज़ का तो वो भी गैस बनाते हैं सो so, इस तरह से मैंने एरोफेजिया से ले कर तक की आपको कहानी सुनवाई ठीक है अब जो आ, आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये देखो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एरोफेजिया देखो हम खाना हम अपने बच्चों को भी वही करते हैं माँ क्या करती है बच्चा खाना नहीं खाता वो उसको टी के सामने बिठा के वो उसको मोबाइल पकड़ा के खाने की आदत डालती दिस वॉट वी डूइंग आर सोसाइटी इज़ चेंजिंग नो हाँ फिर दूसरा ये है कि एज ए गैस्ट्रोनोलॉजी आई मस्ट टेल यू कि हमें अपने बच्चों में ये इनकलकेट करना चाहिए कि खाना बिठा के खिलाना ठीक अच्छा हाथ से खाने में भी एक एडवांटेज है डाइजेशन एडिकेट होती है जो डाइजेशन का मैकेनिज़्म है वो स्टार्ट होता है खाना सामने रखने से खाना अंदर लेने से नहीं क्योंकि साइट जो स्मेल है खाने की उससे ब्रेन के सेल स्टमिलाई होते हैं और उसके साथ इंटस्टेन की सारी एक लाइन अप हो जाती है उसको डाइजेस्ट करने के सो वंस यू आर डाइवर्टेड तो योर साइट इज़ गॉन तो एक डाइजेशन का मैकेनिज्म तो आपने वहाँ काट दिया दूसरा ये है कि आप टी देख रहे हो तो जो चबाना है hmm. जो एन्ज़ाइम डाइजेशन की मुँह से शुरू होती हैं hmm. राइट वो आपने गल्प कर लिया चबाया है ही नहीं तो दूसरा मेकेानिज़म भी कट गया पहुँचे जाके स्टामक में तो स्टामक को तो वही काम करना है जो उसको करना है वहाँ से अनडाइजेस्टेड पहुँचा स्मॉल इंटेस्टीन में सो यू हैव ऑलरेडी सेट इन ए विशियस साइकिल एट द बिगनिंग ऑफ ईटिंग राइट तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड लार्ज में चला गया वहाँ बैक्टीरिया बनाएंगे सो दिस इज़ हाउ ब्लोटिंग एंड गैस प्रोडक्शन सो दिस इज़ नॉट वन गैस कि आपको खाली पेट का कैप्सूल किया तो ये सारा नहीं ठीक होगा ना सो अच्छा फिर वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है अब हम उस पर आते हैं कि अगर आदमी कोई पाँच साल से आठ साल से खाली पेट की दवाई रोज खाता है hmm. स्टामक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है hmm. खाली पेट की दवाई जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, hmm. वो उसको डिक्रीज करते हैं एसिडिटी जो है जो एसिड प्रोडक्शन है ये बहुत सारे अनवांटेड बैक्टीरियाज को किल करती है सो इन अ वे इट फिल्टर्स फूड को फ़िल्टर करके स्मॉल इंटेस्टाइन में हैं। अगर आपका वो मैकेनिज्म जो बैरियर नेचुरल बैरियर मैकेनिज्म है अगर वो आपकी खाली पेट की दवाइयों से ख़त्म हो गया उसको हम साइंटिफिकली कहते हैं एक्लोरहाइड्रिया यानी एच सी एल कम हो गया कम हो गया तो आपके बैक्टीरिया ही चले गए सीधे इंटस्टाइन में स्मॉल इंटस्टिन में बैक्टीरिया तो होने नहीं चाहिए तो जो सिबो है वो ऊपर से ही बना दिया हमने सो पी पी आई का काउंटर प्रोडक्टिव हो गया गैस कहीं और बन रही थी हम खाली पेट समझ के उसको रोज खा रहे हैं रिलीफ हो रहा है या नहीं हो रहा है या प्लेसिबो इफेक्ट हो रहा है आप समझते हैं ना प्लेसिबो प्लेसिबो मीनस के मैंने टिक्की खाई बस खाई मैंने तो उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ लोगोंगा यस सो इस वे से भी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा इस वे से प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपको एसिडिटी के लिए दवाई दी जाती है प्रोलॉन्ग एक लंबे समय तक उस दवाई को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आपका अपना मत इसको लेकर क्या है या आपको लाइफ स्टाइल करनी चाहिए जिससे आप कम से कम दवाई खाएँ या आप एक बार अगर खाना शुरू हो गए तो फिर ये ताउम्र का सिलसिला है आप टूटेगा नहीं बिल्कुल नहीं लेनी क्योंकि हमने ये सारी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई स्टोरी का ये मकसद है कि हम उस प्रॉब्लम को पहचाने और उसको ठीक करने के जो तरीका कार हैं उनको बेहतर करें से आई टेल यू हाउ जैसे अगर स्टामक से बन रहा है तो हम अपने मील्स कम कर लें आपने शुरू में सजेस्ट किया कि हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा लें फिज़िकल एक्टिविटी में वो कहते हैं ना पर्सन मूव्स द इंटस्टाइन मूव्स आप मूव आप करोगे आपकी इंटस्टाइन मूव करेंगी बहुत सारी गैस आपकी रिलीज़ हो जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ बर्ब्स और इन दी फॉर्म ऑफ फाट्स ठीक है सो मूवमेंट so, से आपने उसको ठीक कर लिया ठीक है उसके बाद आपने कोई यू आर ओवर रिटर्न या आप डिस्टर्बड हैं तो कोई एक आती टिकी ऑन एस ओ एस बेसिस खा रही सो नॉट ऑन रेगुलर बेसिस से फॉर एग्जाम्पल आप अपने फिजिशियन के पास गए उसने आइडेंटिफाई किया द प्रॉब्लम इज़ विद इंटस्टाइन तो वहाँ आपकी खाली पेट की दवाई की जरूरत नहीं है तो वहाँ आप दूसरी तरह के कांस्टिपेशन uh, है तो वो उसको कोई ऐसी दवाई देगा जिसकी जिससे इंटस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ेगी वो बावल इवैक्ट करेगा बैक्टीरिया का कंटैक्ट टाइम डिक्रीज करेगा तो आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है सो so तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिनल एंड नॉन मेडिसिनल मेन्यूवर से उसको हेल्प आउट करो जिससे आपने कहा मेडिसिनल नॉन मेडिसिनल आप डॉक्टर साहब आपसे भी समझ आप गेस्ट्रोट्रोलोजिस्ट जम्मू कश्मीर में किस बीमारी को समझते हैं कि ये बहुत प्रविलेंट है और इसको रोका जा सकता है लेकिन हम अपनी बेवकूफ़ियों और अपनी गलत ये जो हमने ओवर द काउंटर का और बाकी तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रखी हुई हैं उस वजह से हम उस बीमारी को जो है उस पर कंट्रोल नहीं पा पा रहे हैं आप एज़ अ गेस्टोटोलॉजिस्ट किस बीमारी को देखते हैं इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा आपके पास आता यही जो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ये सहुत ज़्यादा, ज़्यादा पेशेंट इसी का ही है और वो स्टमक में इंजरी भी अंदर हो जाती है इन इन सब कारणों की उसकी एक और बात तो उसमें क्या है कि जो फॉर्चुनेटली जम्मू में कम और वैली में ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाँ वो इसकी वजह क्या है वो उसके ऊपर काफ़ी वहाँ से स्टडीज़ भी आई हैं उसमें ये है कि एक तो वहाँ का टेरेन जो है वो ठंडा इलाका है लोगों की प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन जो थी वो ज़्यादा है अभी है जैसे आप ये बेकरी खाते हो वहाँ की आप नमकीन चाय खाते हो पीते हो या आप मीट को वो लोग स्टोर करके उसको इस्तेमाल करते हैं साल्ट इनटेक उसके साथ बहुत ज़्यादा है और साल्ट का जो है उसका एडिटिव इफेक्ट होता है इन चीज़ों के लिए अच्छा राइट सो सो मच सो कि ये ब्लोटिंग ब्लोटिंग से लेके मेलिग्नेंसी भी इन चीज़ों से ज़्यादा होती है अब उसके ऊपर एक और चीज़ है केमिकली हार्ड वाटर सो so, हमारे जितने भी हिली टैलेंट्स इनमें हार्ड वाटर है तो उसका अपना एक इरिटेंट इफेक्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे, आप और फिर जो बची खची कसर छोड़ी वो हमने अपनी फूड हैबिट से गड़बड़ कर दी मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसको परेशानी का एक बायस बना ज़्यादातर पेशेंट आपके पास, तर आप पास इसी तरह के आते हैं अरे डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जहाँ तक हमारे लाइफ का ताल्लुक़ है जो लोग शहरों में रहते हैं और जो लोग गाँव में रहते हैं आप क्या देख रहे हैं कि शहरों के जो बच्चे हैं गेस्ट्रो से जुड़ी हुई कौन सी ये मर्ज अमराज ऐसे हैं जिनके वो ज़्यादा शिकार है और किस उम्र से बच्चे आपके पास आना शुरू हो गए हैं और गांव देहात में भी क्या ये ट्रेंड अब आ, आ गया है या अभी भी गांव देहात में हमारी जो सूरत हाल जो है वो कुछ कदरे बेहतर है यस उसमें क्या है कि जो मोटापा ओबेस्टी ओवरवेट ओवरवेट का गैस के साथ भी लिंक है और लिवर के साथ भी लिंक है अब कोई बच्चा मोटा है तो मोटे में क्या होता है कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो आपकी इंटस्टिन की मोटिलिटी को कम करते हैं जब आपकी मोटिलिटी कम होगी तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि उससे स्टैग्नेशन ज़्यादा होगी बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगी गैस बनेगी एक मैकेनिज्म अब जब गैस निकलेगी नहीं, नहीं तो वो क्या करेगी वो रिफ्लक्स में आएगी सो so, सबसे ज़्यादा बच्चे जो यंगस्टर्स हैं हमारे पास वो रिफ्लक्स डिजीज है गैस्ट्रो इंट्र रिफ्लक्स डिजीज़ बहुत ज़्यादा कामन एक दूसरा यही जो मैंने कहा ये वेरी कॉमनली जो मैंने ये इंटेंशनली आपसे डिस्कस किया कि जो हम अपने इनकलकेट कर रहे हैबिट्स अपने बच्चों में दे आर नॉट गुड उसमें यही है कि बच्चे तो शहर के बच्चों पे ज्यादा असरअ हाँ हाँ ये आपका सवाल कि कंपैरिजन कंपैरेटिवली जो हमारे शहर के बच्चे उनमें अभी कामन है बट अब ये प्रॉब्लम वहाँ भी जा रही है कुरकुरे गांव तक भी पहुँच गए हैं अच्छा।, अच्छा तो उसकी रिफ्लक्स एक सेडेंट्री लाइफ दूसरा ओबेस्टी तीसरा फूड हैबिट्स एंड देन क्वालिटी ऑफ फूड ये तमाम चीज़ें असरअंदाज असर कर रही है और शहर में अभी ज़्यादा कॉमन है बट इट इज़ परकुलेटिंग ऑल्सो पानी आ, साफ पानी को लेकर आपसे समझना चाहूँगा कि डोडा और कुछ अजला हैं या आप रजौरी पुंछ की तरफ जाएँ शिकायत ये आ रही हैं और जम्मू में भी अभी शिकायत आनी शुरू हो गई है कि जी पानी साफ़ नहीं है आपने पानी साफ़ नहीं पिया है या आप पानी साफ़ नहीं पी रहे हैं। क्योंकि हमें तो हम तो यह अखज़ कर लेते हैं कि जो फ़िल्टर हमारे घर में लगा हुआ उससे जो पानी हमने भर लिया ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है यही पानी हम पियेंगे उसी को हम रेफ्रिजरेट करते हैं उसी को हम ठंडा करते हैं उसी पानी को हम लोग पीते हैं तो गर्म पानी पीने का कॉन्सेप्ट तो गर्मियों में लगभग है ही नहीं जम्मू पूरे इस रीजन में तो आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कि आप गंदा पानी पी रहे हैं और गंदे पानी के कारण आपका स्टमक अपसेट है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है एक आम आदमी खुद या उसके लिए कुछ टेस्ट करवाने जरूरी है तभी जाकर पता चलेगा जी ये भी बहुत रेलिवेंट सवाल है एक्चुअली पानी गंदा पीने से आपकी, आपकी आपके आपके अंदर इन्फेक्शन जा सकती हैं अब इन्फेक्शन में क्लास है एक हो गया जो वर्म इन्फेस्टेशन की हम बात करते हैं ठीक है तो हमने कई बार इस पर एक दो पेपर भी हमने लिखे तो जो ये आपका अर्स्ट वाइल डोडा वगैरह इसमें तो हमने कई बार स्कोप डाला और यू नो यू सा मल्टीपल वर्म्स इन दामक अच्छा हाँ ठीक है तो वर्म्स आपने कहाँ से लिए पानी से पानी से राइट उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो फीको ओरल होता है एक आदमी ने वर्म लिए वो स्टूल के साथ पास किए हिली एरिया में बावली-बावली या इस तरह का या ड्रेनेज वाटर होता है ना hmm. तो स्टूल पास किया जो स्क्रीटा है वो फ्लो करके चला गया उस जगह पानी में hmm. कौए में या वट hmm. उसको उसने यूटिलाइज किया एंड देन दिस विशेज साइकिल सो दिस प्रॉब्लम स्पेशली जो आपने टैरेंट्स की बात की उनमें ज़्यादा कामन है ताइफाएग देर ऑल फ्यूकोरल ट्रांसमिशन जम्मू में स्थिति क्या है डॉक्टर साहब बड़ी आपकी नॉलेज से भी मैं खुश हूँ कि आपको भी काफ़ी चीज़ें एक बात अब जो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली वो हम भूल रहे हैं उसके बाद आप बात करेंगे हेलीकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन स्टामक hmm. में वो भी वाटर बॉर्न है पानी से अंदर बैक्टीरिया एच पाइलोरी जिसका सुना होगा आपने बहुत सारे एच पाइलोरी पानी से अंदर जाता है hmm. और वो स्टामक में अपना घर बनाता है फिर वहाँ पे प्रोलीफ्रेट होता है वहाँ पे वो अल्सर बनाता है अच्छा हाँ हाँ तो अल्सर जो बनते थे पहले तो बेसिक इसके पीछे एक स्टोरी है जो वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था उसने जब ये सस्पेक्ट किया कि ये ऐसे होता है तो उसने ये पहले सवालो किया खुद अल्सर आपने अंदर बनाया उसकी बायोप्सी ली वो पैथोलॉजिस्ट को दी राइट और पैथोलॉजिस्ट ने इसको प्रूव किया ये है। जी और उस आपने सुना होगा कि हमारे जो एल्डर्स थे या एनसेस्टर्स थे तो उनमें हम कहते हैं अल्सर फट गया जी अब नहीं ना अल्सर फटते कम फटते हैं बिकॉज आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो पहले नहीं अल्सर फट के बहुत सारे पुराने लोगों को आप देखोगे तो दे आर ऑपरेटेड फॉर वन और द अदर रीज़न उसका कल्परेट एल एच पाइलोरी होता था एच पाइलोरी तो उस एच पाइलोरी को आइडेंटिफाई करने का जो सवाल आपने मुझे पूछा था वो ये है कि उसके दो तीन तरीके होते हैं हमारे पास उसको हम स्टूल से उसका एंटीजन वो जाएगा तो स्टूल से ही पास hmm. हम स्टूल टेस्ट करके पता कर सकते हैं दैट इज़ इनडायरेक्ट वे हम एंडोस्कोपी करके उसकी बायोप्सी बड़ा कॉमनली करते हैं hmm. और बायोप्सी में वो पता चल जाता है हमें ऑर्गेनिज्म फिर उसकी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है हम वो देते हैं hmm. नहीं तो अगर हम उसको अन एड्रेस्ड रखें hmm. तो अल्सर तो बनाता ही बनाता है और रेयरली इट कैन लीड ऑन टू कैंसर ऑल्सो स्टामक का डॉक्टर साहब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बड़े सारे लोग ये पूछते भी हैं कहते हैं जी कि आपके स्टूल में या आपके यूरिन में कौन सी कलरेशन ऐसी है और बदबू कैसी है जिससे आप ये अखज़ कर सकते हैं कि जी कोई प्रॉब्लम सम प्रॉब्लम है सेट इन जिसके लिए मुझे फ़ौन डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है डिसकलरेशन अगर आप अपने स्टूल में देख रहे हैं या आप अपने यूरिन में डिसकलरेशन देख रहे हैं या आपको बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है सो वेन इज़ इट दैट इट इज़ एन अलार्म सिग्नल और हमें फ़ौर डॉक्टर साहब कोस्ट्रो एंटोलॉजिट से फ़ौर मुलाकात करके कहना चाहिए कि जनाब ये मालूम करें ज़रा कि ये क्या है दूसरा जो बच्चे हैं छोटे बच्चे क्या उनमें भी इस तरह का कोई अलार्म सिग्नल उनके स्टूल से या उनके यूरिन से आपको मिल सकता है जिससे आप एकदम से जो है चौंक मतलब एकदम से अलर्ट हो सकते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे जी देखो कलर पे आपको इन्फेक्शन पता लग सकती हैं जैसे स्टूल का नॉर्मल कलर नहीं है जो येलो कलर होता है mm. बच्चों में ग्रीनिश हो जाते हैं ये हो जाते हैं तो दे आर ऑल सजेस्टिव ऑफ सम इनडायरेक्ट इन्फेक्शन देर इसका मतलब ये हुआ कि जो जीआई इकोसिस्टम है दैट इज नॉट इन ऑर्डर राइट सो दैट नीड्स टू बी सीन एंड एड्रेस्ट कि भाई उसकी प्रॉब्लम क्या है उसमें कोई इन्फेक्शन हाँ ब्लड जो आना है mm. वो बच्चों में हो या अडल्ट बच्चों में ब्लड जो छोटे बच्चों में ब्लड आता है और कई बार क्या होता है कि रैक्टम में पॉलिप्स हो जाते हैं mm. ठीक है और उसको हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग उसको टुडरी समझ के या फैमरॉइड समझ के बहुत देर तक चलते रहते हैं तो दैट नीड्स टू बी एवेलुएटेड एट अर्लीस्ट क्योंकि पॉलिप बनते हैं तो हम रोज़मर्रा में ये देखते हैं दूसरा आपने जो अडल्ट में कहा कि अगर उसका कलर आपका चेंज हो जाता है तो उस कलर का मतलब है कि सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन जैसे स्मेल का आपने कहा तो स्मेल क्या होती है स्मेल ये जो बैक्टीरियाज़ होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं अब जो नॉर्मल हमारी इंटस्टीन में देखो ये तीन चार किस्म के कॉमन गैसेज होते हैं ऑक्सीजन भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है नाइट्रोजन होता है और जो फाउल स्मेलिंग होता है वो मीथेन होती है मीथेन। और मीथेन का जो स्मेल होता है वो सल्फर जैसा होता है <coughs> और वो बैक्टीरिया है ना मीथेनोजेनिक बैक्टीरियाज बोलते हैं तो वो डॉक्टर को समझ आती है कि इसको एक्चुअली क्या हो रहा है कुछ फूड हैबिट्स में हो रहा है या क्या हो रहा है बट इफ़ ऑल दीज थिंग्स हैपन ऐसा होता है तो डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए आखिर में डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोविड नाइन्टीन के इस पेंडेमिक के बीच में एक गेस्ट्रो का काम जो है उसको कितना नुकसान पहुँचा है और अब इस समय स्थिति क्या है मेडिकल कॉलेज में आ, या अदरवाइज आप कितना फ्रीली इस समय जो है अब आप इस, इस समय काम कर पा रहे हैं या अभी भी डर और खौफ है कि भाई कोविड नाइनटीन तो है क्योंकि आपका काम तो इस तरह का है कि जब तक आप पेशेंट का बाजू ना पकड़ें और पेट पे हाथ ना लगाएं और वो आपके थोड़ा करीब ना बैठे तो ज़रा मुश्किल है आपके लिए तमाम चीज़ों को एनालिसिस करना उसके बाद आपको एंडोस्कोपी करनी है और कई टेस्ट करने हैं तो उसके लिए भी जाहिर सी बात है आपका और पेशेंट के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट पीरियड भी ज़्यादा रहता है और कॉन्टैक्ट भी काफ़ी रहता है तो इस कोविड नाइन्टी ने आपके लिए क्या कुछ परेशानियाँ खड़ी की हैं और क्या आप कुछ इस सिचुएशन बेटर हुई है देखिए तो ये एक पैंडमिक है और जितने भी पैंडेमिक पास्ट में भी हुए या ये भी है mm. तो इट हैज़ अ वेवरी बिहेवियर दैट इज़ एक्सपेक्टेड साइंटिफिकली दिस इज एक्सपेक्टेड एक बात दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली वी आर एट हाई रिस्क क्योंकि जो आदमी बीमार है वही हॉस्पिटल आता है <clears throat> और जो आदमी बीमार है उसी को ये कोविड या इस तरह की कोई दिक्कत भी हो सकती है mm. अब जो हमारे तरीकाकार हैं और ख़ासकर जो वेरिएंट्स आ रहे हैं और फिर उनके आइडेंटिफिकेशन एंड देन देन इट्स ऑल फ्लूट ठीक है नॉट श्योर अबाउट इवन इफ समबी इज़ कंडक्टेड अ टेस्ट वो नेगेटिव है हम 100 परसेंट श्योर sure नहीं है कि वो वाकई नेगेटिव है कि नहीं hmm. तो हमें अपनी साइंटिफिक नॉलेज के बैकग्राउंड के बेस पे hmm. अपनी प्रोटेक्शन करके काम तो करना ही है hmm. सारी दुनिया कर रही है सो आर वी एंड वी हैव बिन डूइंग है ना ऑल अलॉन्ग लोग तो अगर हम क्लिनिक बंद कर देंगे घर आ जाएंगे हम तो इसी सोसाइटी का पार्ट है ना बाहर से तो आए नहीं वो डायरेक्ट नहीं आएंगे तो आपसे आप फ़ोन करा के आ जाएंगे सो वट एम ट्राइंग टू से बट क्वेश्चन साइंटिफिकली आपसे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि गैस्ट्रो इंट्रोलोजी इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्पेशलिटी विच इज़ इफेक्टेड बाई द कोविड लेकिन वो अभी तक अंडर एड्रेस्ट है उसकी वजह में बताता चलूँगा मैं उसकी ये वजह है कि देखो एक जब वायरस अंदर जाता है तो या मुंह से या नो से जाता है राइट hmm. right? आगे जाके आपकी एक फूड पाइप है एक विंड पाइप है दे आर टूगैदर सो इट प्रेफर्स टू ट्रेवल इन टू विंड पाइप बट इट कैन गो इन टू दूड पाइप ऑल्सो राइट सो ये सेकेंड लार्जेस्ट अब अनफॉर्चुनेटली नेचर hmm. ने ऐसा क्रिएट किया कि इसका एक एग्जिट रूट भी है hmm. तो वायरस एग्जिट हो जाता है अदरवाइज आई मस्ट रिमाइंड यू कि जब जब अमेरिका में पहला केस डिटेक्ट हुआ कोविड का hmm. तो ही प्रजेंटेड विद द गेस्ट्रो इंटस्टाइनल सिम्टम्स उसको लूज मोशन थे hmm. वहाँ लूज मोशन के लिए हर आदमी का स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं वो hmm. उन्होंने स्टूल एग्जामिनेशन किया वहाँ कोविड निकला रेट्रोस्पेक्टिवली hmm. स्वैब लिया वहाँ निकला सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जी आई वन सेकेंड यह है कि जो पोस्ट कोविड में जितने एरियाज़ है जैसे महाराष्ट्र कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू एपडामन उनकी नसें ब्लॉक हो रही हैं इंटस्टाइन की नसें ब्लाक हो रही हैं तो वो वाला पार्ट इज अपकमिंग तो आपके माध्यम से मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऑल दोज पीपल जिनको कोविड हुआ है और उनको अगर एबडामिनल सिम्टम्स आए हैं सो उनको इग्नोर ना करें उनको इवेलुएट करें क्योंकि आपको पता है कि क्लॉटिंग मैकेानिज़म को कोविड जो है ये इन्हांस करता बढ़ाता बढ़ाता है तो जैसे हार्ट की नसें बंद होती हैं जैसे ब्रेन की नसें इसी तरह से इंटस्टाइन की नसें भी बंद हो रही हैं जी हाँ और कई बार ही हमें उनका पूरा इंटस्टाइन सेक्रीफाइस करना पड़ता है पूरा जी हाँ अगर इंटेस्टाइन की सप्लाई बंद हो गई तो वो तो डेड हो जाएगा डेड हो जाएगा तो आप रख नहीं सकते तो इस तरह की कई सर्जरीज हो रही हैं सो ये आपके माध्यम से मैं और एक अवेयरनेस का वो एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा कि अगर इंटेस्टाइनल इशूज़ हैं पेन है कुछ है तो इवेल्यूशन बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे डॉक्टर शौकत चौधरी आप अब ये समझ चुके होंगे कि गेस्ट्रो एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी सिग्निफिकेंट ब्रांच है मेडिसिन मेडिकल साइंसेज की और ये भी अब आप समझ चुके होंगे कि आपने अपने पेट के अमराज को नॉन सीरियसली नहीं लेना है ओवर द काउंटर मेडिकेशन तभी जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं लेकिन अगर आप ऑलरेडी बहुत सारे मेडिसन्स ले रहे हैं और ऑलरेडी आप कुछ बीमारियों के शिकार हैं तो मेहरबानी करके ओवर द काउंटर ना जाएं छोटी सी भी कोई तकलीफ़ अगर है उसे इग्नोर ना करें डॉक्टर से फ़ौर जो है संपर्क साधें और डॉक्टर को अपनी वो तकलीफ अपनी वो परेशानी बताएं ताकि आपको ठीक तरह की मेडिसिन दी जा सके और मेडिसिन के मामले में भी एक बात आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा कि हर दवाई जो है अलग तरह के सॉल्ट से बनती है और अलग तरह के सॉल्ट के साथ कोई और सॉल्ट ऐसा हो सकता है जो आपकी किसी मेडिसिन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके लिए परेशानी बना सकता है ज़रूरी नहीं है लेकिन कर सकता है इसीलिए डॉक्टर से पूछना जरूरी होता है कि डॉक्टर साहब मैं ये दवाइयाँ ले रहा हूँ क्या मैं इसके साथ ये दवाई ले सकता हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक और चीज़ जो डॉक्टर साहब से आपने सुनी दवाइयाँ बेानतहा लेना भी ठीक नहीं है अगर ज़रूरत है अगर बीमारी है तकलीफ है उसके इलाज मालजे के लिए ले रहे हैं तो अच्छा है लेकिन जब आपको लगता है आपको फ़र्क पड़ रहा है तो बेटर है कि आप अपनी लाइफ को मॉडिफ़ाई करें आप अपनी ज़िंदगी के खाने के तरीक़े को चलने फिरने के तरीके को उठने बैठने के तरीक़े को बदल दें ताकि आपकी मेडिसिन की लिस्ट जो है वह आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए दीजिए इजाज़त आदाब